ओके तो 20 का है वर स्पिन मार रहे थे 20 डायमंड का। ओ भाई फाइनली ओनली वन स्पिन में मिल चुका है गाइस यहां पर भाई साहब फिलिक वाला इमोट। सो हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गाइस जो ये फिलिक वाला इमोट है, आप इसको कैसे आप ओनली वन स्पिन में आप निकाल सकते हो। तो अगर आप भी निकालना चाहते हो ओनली 20 डायमंड में तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। लेकिन इससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेट कर देना, क्योंकि गाइस ये जो इमोट है यार काफी बहुत एकदम मस्त वाला इमोट है। तो अगर आप भी इसको ओनली वन स्पिन में निकालना चाहते तो वीडियो को स्किप तो करना ही नहीं है, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेट करके रख देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो यार फटाफट अपने यहाँ पर निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। चाहे उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पहले ट्रिक अप्लाई क्या क्या करना है वो आपको अप्लाई कर लेना, उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको स्पिन मारना है। तो चलो अपन फटाफट यहाँ पर पहले ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं। ओके तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आप सबको पता है कि भाई अंग्रेज जमाने से चला आता है कि यहाँ पर वो करेक्टर आपको चेंज करना है। जी दोस्तों, वो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको करेक्टर वगैरह जो है उसको पहले आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है, क्योंकि गाइस ये जो ट्रिक है यार सच में 100% काम करता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो करेक्टर है उसको पहले चेंज कर लेना है। तो अपन यहाँ पर पहले करेक्टर वगैरह को आपको चेंज कर लेते हैं। तो जो भी लो भाई बड़ा वाला जो करेक्टर रहेगा तो उस टाइप से यहाँ पर वो करेक्टर ले लेना है। ओके तो अपन भाई इसको ले चुके हैं मुक्को, उसके बाद गन स्किन में जाना है और इसको भी भाई गाइस आपको अनिकुप वगैरह और जो ये सब आपको कर देना है जो जो आपको मन में आए। तो ये सब जितने भी यहाँ पर ये सबको अनिकुप वगैरह आपको कर देना है। उसके बाद गाइस आपको पेट में जाना है और पेट में भी अनिकुप वगैरह कर देना है और यहाँ पर आपको जाना है क्लियर कैच कर लेना है। ओके तो क्लियर क्रेज वगैरह आपको कर देना है। तो भाई कम से कम 2-3 बार हम लोग को क्लियर क्रेज वगैरह कर देना है। ओके तो क्लियर क्रेज करने के बाद आपको लॉगआउट वगैरह कर लेना है, उसके बाद गए आपको फिर से लॉगिन वगैरह कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद गए जब वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ओके तो पहले अपने यहाँ पर ओपन कर लेते हैं गाइस यहाँ पर फ्री फायर मैक्स को। तो ये रहा गाइस, तो चलो यार यहाँ पर ओपन हो चुका है फटाफट। तो उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि आपको इवेंट में जाना है। तो सिंपल गाइस आपको इवेंट में जाने के बाद भाई लोग यहाँ पर आपको स्पिन करना है 20 डायमंड का। तो देखो गाइस 2 स्पिन हो चुका है, ये 3 स्पिन, उसके बाद फिर से यहाँ पर 4 स्पिन, ये रहा गाइस 4-5 स्पिन हो चुका है। और भाई देखो यहाँ पर और ये रहा गाइस, ओ भाई देखो गाइस फाइनली गाइस यहाँ पर आपको 5-6 स्पिन में ही गाइस अपन को यहाँ पर मिल चुका है। मतलब पर 5 स्पिन होने से 100 डायमंड मतलब 120-130 डायमंड में है गाइस यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये जो इमोट है गाइस फाइनली यहाँ पर मिल चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इमोट कहाँ पर है गाइस, इमोट ये रहा गाइस। तो इसी प्रकार से गाइस यहाँ पर आपको लॉगआउट वगैरह कर लेना और यहाँ पर आपको क्लियर्स वगैरह कर लेना है। तो गाइस ये जो इमोट है गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा और गाइस यहाँ पर आपको 20 का यहाँ पर आपको स्पिन मारना है। और हो सके तो गाइस आप यहाँ पर भाई 10+1 का भी आप यहाँ पर स्पिन मार सकते हो, बाकी अगर आपके पास डायमंड वगैरह है तो, क्योंकि उसमें भाई एक्स्ट्रा आपको रिवॉर्ड मिल जाता है और एक्स्ट्रा में आपको मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके तो यहाँ पर आपको 20 का यहाँ पर स्पिन मारोगे तब भी गाइस यहाँ पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि अभी गरीना की तरफ से भाई उतना ज़्यादा डायमंड नहीं लूटा जा रहा है, क्योंकि बैन होने के चक्कर में भाई फ्री फायर बहुत से बंदे यहाँ पर खेलना मतलब थोड़ा उतना इंटरेस्ट हटा दिए, तो जिस कारण धीरे धीरे फिर से यहाँ पर इंटरेस्ट बना रहेगा। ओके तो इस प्रकार से गाइस यहाँ पर आपको स्पिन मारना है जैसे मैंने आपको बता दिया, और बाकी यार आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस क्या आपका ये जो इवेंट ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है वो चीज़ आप नीचे कमेंट में बता देना। और इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ तो आप चैनल में चेकआउट कर लेना, यदि आपको ओपन वगैरह नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दिया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय।